हेलो, मैं हूँ डॉक्टर सिमरन शर्मा और ये है चैनल हेल्थ इन्फोटेनमेंट। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी कि मोटापे के बारे में। आफ्टर हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़, ओबेसिटी भी एक ऐसी डिजीज़ है जिसके काफ़ी मॉर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी है। एग्जैक्टली ओबेसिटी यानी कि मोटापा होता क्या है? हमारी बॉडी को डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी इसे फूड से मिलती है। फूड में होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये एनर्जी जो हमें मिलती है ये हम डिराइव करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स से। बॉडी यूजुअली पहले कार्बोहाइड्रेट यूज़ करती है, फॉलोड बाय फैट, फॉलोड बाय प्रोटीन। अब जब सारा कार्बोहाइड्रेट हम एनर्जी के लिए यूज़ कर लेते हैं तो एनर्जी के लिए बॉडी ने फैट यूज़ करना स्टार्ट किया। अब इस फैट से काफ़ी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है बॉडी में। इनफैक्ट हमारे कुछ वाइटामिन्स जो कि फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं वो भी इसी के हेल्प से एब्जॉर्ब होते हैं। अब ये सब होने के बाद जो एक्स्ट्रा फैट बॉडी में बच जाता है वो हमारे एब्डोमेन एंड थाइज़ या हिप्स पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी यानी कि मोटापा होता है। ये ओबेसिटी होती क्यों है ये भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। ओबेसिटी दो टाइप की होती है, एंड्रॉयड ओबेसिटी एंड गाइनॉयड ओबेसिटी। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है? ये जो एक्स्ट्रा फैट जो हमारे बॉडी में बचा था जब ये हमारे एब्डोमेन पे डिपॉजिट होता है तब हम इसे एंड्रॉयड ओबेसिटी कहते हैं, और यही जब आपके बटक्स एंड थाइस पे जाके डिपॉजिट होता है तब हम इसे गाइनॉयड ओबेसिटी कहते हैं। दोनों के अपने अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। जिसे नॉर्मली एंड्रॉयड ओबेसिटी होती है उसे हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, वाइल जिससे गाइनॉयड ओबेसिटी होती है उसका पूरा वेट लोअर बॉडी पे आता है, इसीलिए उसे आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। एंड्रॉयड ओबेसिटी यूजुअली मेल्स में ज़्यादा दिखती है वाइल गाइनॉयड ज़्यादा फीमेल्स में दिखती है। अब ओबेसिटी के कॉजेस क्या है? जैसे कि हमने देखा कि हम जितनी एनर्जी इनटेक कर रहे हैं अगर उतनी एनर्जी यूज़ नहीं करेंगे तो ओबेसिटी होने के चांसेस हैं। तो फर्स्ट, हाई कैलोरी इनटेक इज द कॉज ऑफ ओबेसिटी। सेकेंड, लो एक्सरसाइज, नो एक्सपेंडिचर ऑफ योर एनर्जी इज द कॉज। थर्ड, कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है, जैसे कि एडिसन्स डिजीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब इस केस में डाइट करने से या एक्सरसाइज करने से वज़न कम नहीं होगा। इन केसेस में हमें ये अंडरलाइन डिजीज़ को ट्रीट करना है जिसकी वजह से ओबेसिटी कम हो सकती है, हमारा वेट कम हो सकता है। फोर्थ, कुछ ऐसी मेडिसिंस भी होती है जिनकी वजह से वेट गेन हो सकता है, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब कुछ डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो अगर आप लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पर है तो उसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है वेट गेन। कुछ डायबिटीज़ की मेडिसिंस की वजह से भी वेट गेन होता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम ओबीस है या ओवरवेट है? यूजुअली लोग BMI पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। BMI इज बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट इज़ वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। बट यहाँ पर एक कैच है, ये जो वेट है ये हमारा सिर्फ फैट का वेट नहीं होता, हमारे बॉडी में बोन वेट, मसल मास और फैट, ये सब का जो वेट होता है वो इंक्लूडेड होता है। तो सपोज़ अगर आप में फैट्स कम है लेकिन आपका मसल मास ज़्यादा है तो भी आपका BMI हाई आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप ओबीस या ओवरवेट हैं। तो WHO ने दूसरा पैरामीटर दिया है टू नो वेदर यू आर ओबीस और नॉट, इसे हम कहते हैं वेस्ट टू हिप रेशियो। अकॉर्डिंग टू WHO अगर आपका वेस्ट टू हिप रेशियो इज़ लेस देन 0.85 इन फीमेल्स एंड लेस देन 0.9 इन मेल्स तो आप ओबीस या ओवरवेट नहीं हैं। अब ये तो था डिटेल ओबेसिटी के बारे में, बट वॉट इफ अगर आप ओबीस या ओवरवेट हैं तो ये वज़न कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जैसे कि हमने देखा ये ओबेसिटी हो रही थी बिकॉज कैलोरी इनटेक ज़्यादा था, तो हमें कैलोरी इनटेक थोड़ा कम करना होगा। बट ये क्रैश डाइट से या सडनली एकदम फास्टिंग से नहीं हो सकता, हमें धीरे धीरे हमारी एनर्जी इनटेक कम करनी होगी। सेकेंड, हम जितनी एनर्जी इनटेक कर रहे थे हम उतना एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे थे, तो हमें एक्सरसाइज करके हमारी एनर्जी हमारी कैलोरीज को बर्न करना होगा। थर्ड, जैसे कि हमने देखा कि कुछ अंडरलाइन डिजीज़ की वजह से, अंडरलाइन कॉज की वजह से ओवरवेट हो रहे हैं हम, तो डाइट या एक्सरसाइज करने से वज़न कम नहीं होगा, हमें डॉक्टर को कंसल्ट करके अंडरलाइन कॉज जानकर उसे कंट्रोल करना होगा। एंड फोर्थ, जैसे कि हमने देखा कि कुछ मेडिसिंस की वजह से भी हमारा वेट गेन हो सकता है, तो सपोज़ अगर आप लॉन्ग टर्म किसी मेडिसिन पे हो देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर एंड उसका ऑल्टरनेट मेडिसिन क्या हो सकता है अकॉर्डिंगली आपका प्रिस्क्रिप्शन होगा। अब ये था ओबेसिटी के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ। थैंक यू।